हेलो एवरीवन। तो आज हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग पहले से स्ट्रेटजी अपनी बना रखे होंगे और उसी को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। आपको पता है कि कल से 15 अक्टूबर रहेगा, मतलब आज 14 अक्टूबर हो गया है, तो 15 दिन 16 दिन इस महीने के बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास लगभग 109 से लेकर 109 दिन बचे हुए हैं, जिनमें कि अगर आप 4 से 5 छुट्टियाँ काट देंगे अपनी या आप बीमार होते हो तो आपके पास मोटे मोटे 100 दिन बचे हैं। तो देखिए, मैं तो डेली इस तरीके से फॉलो करती हूँ। आप कोई एक कॉपी या डायरी अपनी रखिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। वैसे भी आप पहले से फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग सीरियस नहीं हैं या जिन्होंने मतलब अभी अभी चैनल ज्वाइन किया या मेरी टेस्ट सीरीज को फॉलो किया है, तो उससे तो आपको हेल्प मिलेगी। बट अगर थोड़ा सा आप इस तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज कर लेंगे तो उससे आपका रिजल्ट ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए दिन में ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे आप 1 आवर PYQ 2010 से RO के कर लीजिए। ये कहाँ से करने हैं मैं अभी उसको भी बताऊँगी। इसके बाद में 1 आवर आप हिंदी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मस्ट है। इस प्रीलिम्स को तो पास करने के लिए हिंदी मस्ट है ही, लेकिन अगर इसी प्रीलिम्स में आप इतनी मेहनत कर लेते हो तो आपको मेंस में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि RO का पेपर थोड़ा फैक्चुअल लेवल पर कठिन है, पर UPSC के कंपेरिजन में सरल है। क्यों? क्योंकि जो मेंस है उसमें कोई 5 से 6 पेपर हमें नहीं लिखने हैं, कोई टॉपिक को हमें तैयार नहीं करना है ना। उसमें यही जो चीज़ अभी हम हिंदी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यही हमें काम आने वाली है आगे। तो इसलिए अगर आप हिंदी को अच्छे से क्योंकि अगर हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे, प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो फिर हम मेंस में बैठेंगे कैसे। तो इसलिए हमारे लिए पहला स्टेप, पहला दरवाज़ा तो खुलना ज़रूरी है ना। इसके बाद हम मंदिर पर जाकर दर्शन कर पाएंगे। फिर इसके बाद में आप 1 आवर GS प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भी जैसे आपने हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, वो जियोग्राफी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इस तरीके से जो चीज़ें उनको आप प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो 1 घंटे, है ना। 1 आवर आप पॉलिटी रिवीजन कर सकते हो या इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप 1 आवर जियोग्राफी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी तो आप लोगों ने पढ़ ही ली होगी, तो उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ पोर्शन छूटा हुआ तो उसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 आवर मैंने रखा है जिससे हम रिमेनिंग में जो रिवीजन करना छूट गया है या मिसलिनियस जिसे बोलते हैं, उस तरीके से ये टाइमिंग मैंने रखी है। इसमें आप उन चीज़ों को कर सकते हैं जो आपका छूट जाता है, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट भी जाता है। अगर नहीं छूटता है तो देन आप प्रैक्टिस कर लो, अगर छूट जाता है तो उसे रिवीजन कर लो। तो ये 5 से 6 घंटे का शेड्यूल है। इसको बीच में अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई जॉब में होगा, कोई घर में होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो हर किसी की लाइफ अलग अलग सर्कल में चल रही है। हर किसी के पास टाइम, किसी के पास नाइट में ज़्यादा रहता है, किसी के पास डे में ज़्यादा रहता है। उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। आई होप कि ज़्यादातर 21 ईयर्स कंप्लीट करके लोग होंगे तो उन्हें अपना टाइम मैनेज करना आता होगा, पर फिर भी कई बार हम किसी से कुछ चीज़ सीखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, तो मुझे लगा थोड़ी सी बात कर ले। मैंने कभी स्टडी प्लान नहीं डिस्कस किया, मैंने कभी बुक्स नहीं डिस्कस की, मैंने सिर्फ हिंदी के एक बुक्स के बारे में बात की थी एक वीडियोज़ पर। ज़्यादातर मैं टेस्ट सीरीज़ पर ही फोकस रही हूँ और इतना टाइम नहीं मिल पाया है, तो मुझे लगा थोड़ा सा अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए अच्छे से। क्योंकि अगर प्रीलिम्स, मैं मानती हूँ मंदिर का गेट है, अगर मंदिर का गेट हमें खुला नहीं मिलता है तो हमारे लिए दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो पहले हमें इतनी हिंदी को प्रैक्टिस कर लेना है कि ताकि हम प्रीलिम्स क्रॉस कर जाएँ। इसके बाद में देन हम मेंस में पहुँच जाएँ, है ना। तो चलिए थोड़ी सी बुक्स की बात कर लेते हैं जो रियली में इंपॉर्टेंट है, जो काम भी करती हैं। मैं उनके फैक्ट, मैं उनके क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। देखिए, फिलहाल तो हर किसी को पता है बुक्स, जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, ये आपकी पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था की बुक है। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्लस उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो आप इसे फॉलो कीजिए, इसे पढ़िए। अगर इसके अलावा कोई और आपके पास है ऑप्शन तो आप उसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये बुक को आप जाके आप मार्केट से परचेज करो, अब बहुत टाइम कम बचा हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और रिविज़न करना है, ठीक है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो उस पर एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे ये नहीं पता है कि किस सूची में क्या चीज़ें हैं, तो मैंने ऐसे 1-2 पेज में शीट बना के मैं इनको लिख लेती हूँ। और जैसे हम टहलने जा रहे हैं, हमारा कहीं टाइम ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम भी कट जाएगा और हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, तो इसको आप इस तरीके से लेके कर सकते हो। आपकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है, कोई कॉपी नहीं करना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि 5वीं अनुसूची में क्या हो सकता है, 6ठी अनुसूची में क्या हो सकता है, तो ऐसे नाम कई बार पूछते हैं और पूछते हैं, उसका मैं प्रूफ दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, ये यूथ कंपटीशन की बुक है, इसको मैंने परचेस किया था किसी सीनियर्स के ही कहने पर। एक सर हैं, मैं उन्हें आज थैंक्स बोलना चाहूँगी, मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे उनका वीडियो कैसे आ गया, मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही थी,
अनु चतुर्वेदी करके कोई एक सर है, वो काफी हेल्प करते हैं बच्चों की, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, बाकी आपको भी सीखने को मिलता होगा आई होप। तो थैंक्स, अगर किसी से सीखने को मिलता है तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन आपको। देखिए, मैंने आपके साथ में राष्ट्रपति के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, शेयर किया था, पर किसी ने भी कमेंट करके एक बार ये नहीं बताया कि वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे भी, हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट आप जब किसी को थैंक्स बोलते हो तो उसे अंदर से बहुत खुशी होती है, उसे लगता है हाँ मैंने कुछ मेहनत की है तो उसके लिए मुझे थैंक्स मिला है ना। देखिए, मैंने पूछा था और ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे, और मैंने ये भी बताया था कि जल्दी ये पॉइंट्स इतने अंदर तक तो कोई डिस्कस नहीं करता है, उसको सेम टू सेम 2014 में ROARO में क्वेश्चन आया है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो इन केस अगर भारत में इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर अपना अपना त्यागपत्र देती हैं और इसके बाद में धनखड़ जी भी अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा या कौन कार्य करेगा, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के तो देश नहीं चलता है, ज़्यादातर सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, वही सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पर दिया है। देखिए, आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्य को कार्य करेगा, है ना। देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क है, ये किताबी लैंग्वेज है, मैं अपने आपसे बता रही हूँ तो मेरी लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, पर क्वेश्चन आते हैं और मैंने इसलिए मैं हर समय इसको डिस्कस नहीं करती, पर मुझे आज दिख गया तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, क्योंकि आप जब रिएक्ट तक नहीं करते हो ना तब थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही मिले इन लोगों को, लेकिन कोई हमें थैंक्स तक नहीं करता है ना, तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं और कई बार ये याद नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता रहता है, रहता है पर कई बार हमें याद नहीं रहता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये जो यूथ कॉम्पिटिशन की है, इसमें क्या अच्छी बात है कि इसमें GS प्लस जो ROARO में थोड़ा सा CSAT कह सकते हैं उसका भी जो रहता है भाग, वो भी इसमें मिलते हैं क्वेश्चन, वो भी रहते हैं, ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। मैं इसमें डेली PYQ, एक साल का PYQ डेली देखती हूँ, तो अगर आपके पास है तो आप उसे भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपका मन है तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये हेल्प करती है, इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन ROARO में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखती हूँ। देखिए, मैंने ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज कई सारी सॉल्व कराई हैं, कई बार केवल मेमोरी की वजह से मुझे वीडियोस को बीच में रोक के उतना ही अपलोड करना पड़ता है, तो ये आपकी पूर्वालोकन है सामान्य भूगोल की, ठीक है, ज्योग्राफी की, तो आपने ज्योग्राफी को पढ़ लिया होगा, तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए PYQ, आपको क्वेश्चन का आइडिया भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे PCS में कोई आया है, फिर ROARO में भी आया, वो यहाँ पर दे देते हैं, हालांकि मैंने इसे PCS के लेवल हिसाब से लिया है, ROARO के हिसाब से नहीं लिया, पर इसमें क्वेश्चन दोनों ही मिलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पॉलिटी के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन है, और सॉल्व पेपर के लिए ROARO यूथ कॉम्पिटिशन की, फिर ये ज्योग्राफी की, फिर आपको एक देखनी पड़ती UP की, जिसमें सेंसस वगैरह सब कुछ रहता, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो मेरे को काफ़ी अच्छे उसके फैक्ट लगे, तो मैंने उसे काफ़ी दिन पहले खरीद लिया था, पर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एक ये आपके पूर्वालोकन है पर्यावरण परिस्थितिकी की, ठीक है, ये पर्यावरण परिस्थितिकी, मैंने इससे कुछ टॉपिक PDF आपके साथ शेयर किया है, इससे बहुत अच्छे से जिस टॉपिक से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो खूब अच्छे से दिया है, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया है, ठीक है, मैंने ऐसे करके टिक लगा लिया है, अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से टिक लगाते जाइए और इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन में कितने साल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं किसी एक टॉपिक में, आप यहाँ से देखिए, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है और काफ़ी चीज़ें अच्छे से पता चल जाती हैं। अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये देखिए UPPCS 2021 UPPCS 2022, ठीक है, UPPCS में 2017, UPBU 2019, ठीक है, 2019 21, ये देखिए इको मार्केट के बारे में, ये क्वेश्चन मुझे वहीं PCS का मेरे को याद था, पर मैंने यहाँ देखे मेरे को याद था, ये देखिए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। कि इसमें क्या अच्छी बात रहती है कि ये लोग पहले टॉपिक को इस तरीके से दे देते हैं, एकदम
उसका जो कहते हैं ना सार एकदम क्लिष्ट बना के, ठीक है, लंबा टॉपिक नहीं करते हैं, छोटा ही टॉपिक करते हैं, इस तरीके से वो अपने नोट्स टाइप से दे देते हैं, इसे आप पढ़ लें, अंडरलाइन कर लें, इसके बाद में आप इसको समझ लें, इसके बाद में आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उससे क्वेश्चन आते हैं, हमें लगता नहीं आते हैं। देखिए ये 2020 में आया, ये IAS UPSC 2021 में आया, उसी के जस्ट एक साल बाद, ये भी UPSC का है, फिर ये UPPCS पी में 2020 में आया क्वेश्चन, ये देखिए 2020 में आया, 2020 में आया, इस तरीके से। तो जब आप किसी टॉपिक को, ये देखिए जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण, तो अगर आपके पास बुक है तो इस तरीके से आप पहले उसके टॉपिक को पढ़ते जाइए, दिन में एक घंटे में आप 5 से 6 पेज आराम से, खूब आराम से, पहले दिन अगर आपकी स्पीड स्लो भी है तो 6 से 7 पेज को आराम से निपटा देंगे। पहले टॉपिक पढ़िए, फिर उसके आंसर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके आंसर को पहले लगाइए, इस तरीके से पहले आंसर को ढक लीजिए, पहले अपना आंसर देखिए कि हम क्या सही है क्या, फिर उसको चेक कीजिए कि हम कितना सही जा रहे हैं और हमें कितना रिकॉल हो पा रहा है, ठीक है। देखिए मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मैंने तो ये मैंने दिशा पब्लिकेशन की, मुझे दिशा के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और प्रमोशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं प्रमोशन का क्या कैसा है, पर इसने फैक्ट बहुत सुंदर दिया, बहुत अच्छे से दिए हैं, यहाँ से देखिए पूरा दे देते हैं, यूपी की जो हिस्ट्री वो भी दे देते हैं, आपको उसकी हिस्ट्री कहीं अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, और इतनी इंपॉर्टेंट देते हैं कि पहले मुझे पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था, उसके क्वेश्चन किस तरीके से बने मैं वो भी दिखाती हूँ। देखिए ये वो हिस्ट्री है जो हमारे UPPCS में खूब अच्छे से इसके क्वेश्चन आते हैं, मैंने इनके खूब क्वेश्चन को देखा है, ये इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न के बारे में, कि यहाँ से ऐतिहासिक आध ऐतिहासिक है ना, ये देखिए ये पूरा दिया हुआ ताम्रप्राश पाषाणकार के सारे फैक्ट दिए हुए, ये फैक्ट अगर हमारे पास लूसेंट नहीं है ना तो ये बुक हमें बहुत हेल्प करती है, बट फिर अगर मैं कह रही हूँ जरूरी नहीं कि आप इसको जाकर लें, अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है तो आप उसी को पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है न्यू बुक लेने की। हाँ इसमें फैक्ट अच्छे से दिए हुए हैं, देखिए जैन के बारे में, ठीक है, तो हेल्प काफ़ी मिलती है, पहले फैक्ट दिए हुए हैं फिर उसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि कब कितने क्वेश्चन कब आए हुए हैं, ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री दी है, अगर इतने पेज हम 6 से 7 पेज को पढ़ लेते हैं फिर ये हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ये इतना फैक्ट खूब आता है, मैंने इसको खूब सुना है कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसको कौन कहाँ से लीड कर रहा था और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था जो उसको सप्रेस यानी कि दबा रहा था, ये मैंने यहाँ के फैक्ट को 5 से 6 क्वेश्चन में देखा है कि रायबरेली रोहिलखंड से किसने मतलब उसको लीड किया, खान बहादुर खान, उसको सप्रेस करने के लिए कौन गया, ठीक है, गोरखपुर सुल्तानपुर मथुरा, इसके आगे इलाहाबाद और भी है कानपुर, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन बने और ये फैक्ट यहाँ खूब अच्छे से दिया हुआ है पूरा इस तरीके से, ठीक है। देखिए जो भी जितना भी टॉपिक दिया ये यहाँ से इस तरीके से देखिए जो भी यूपी में घटित हुआ है, क्योंकि उस समय केवल यूपी नहीं था ना, संयुक्त प्रांत आप नाम सुनते होंगे, तो जो जो यहाँ पर जितनी जितनी चीज़ें जितनी घटनाएं घटी सारा कुछ इसमें अच्छे से दिया है, और भी चीज़ें दी हैं। देखिए यहाँ पर पर्यटन स्थल भी दिए हुए हैं इसमें यूपी के, इसके बाद में जो चीज़ें जहाँ सिचुएटेड हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, ये देखिए पूरे जीव अभ्यारण्य जितने भी यूपी के हैं वो सब दिया गया है इसमें अच्छे से, अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, सारे फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए जो पूछते हैं ना कि कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है ना, टेक्सटाइल कहाँ है, क्या चीज़ कहाँ है, तो वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, तो अच्छी बुक है, अगर है आपके पास तो इसको आप पढ़िए और देखिए इसमें कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए PCS प्री में UPRO में जितने भी क्वेश्चन बने हुए वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें सेंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे इतनी पे ही बात करनी थी, अगर आप टाइम देख लीजिए अपने हिसाब से, आप बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, बुक्स आपको पता ही हैं ऑलरेडी, पता होंगी आई होप, नहीं पता होंगी तो मैंने इतनी बता दी है। टेस्ट सीरीज में मैंने पिछली काफ़ी अपलोड कर दी है, अभी मैंने काउंट नहीं किया है, वो हेल्प कर रही है उनसे हेल्प ले लीजिए। अब मैं धीरे की ऑनलाइन UPRO की स्टार्ट करूँगी 2 से 3 दिन के अंदर ही, अभी तक मेरे को मिल नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी लास्ट अभी हो नहीं पाई थी, बट कुछ लोगों को मिल गई है तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगी। इसके बाद में मैं फिर UPPCS प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को आई होप कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन हो सके तो, ठीक है। और इसके साथ में मैं विजन की मंथली करंट अफेयर जो आती है उसको भी स्टार्ट कर दूंगी जनवरी फरवरी से। अभी मैं RORO की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करूंगी, तो आई होप कुछ भी आपको इसमें से हेल्प मिली हो तो रिएक्ट जरूर कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐड ऑन करनी रह गई हो, मे बी मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
ठीक है, थैंक यू।